नमस्कार, स्वागत है जौनपुर डेली टाइम्स के सभी दर्शकों का। मैं हूं आपका सरस सिंह। बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बता दें कि दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, तो वहीं संगम इलाके में भी सड़कें जलमग्न हैं। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने घरों तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। कई परिवार अपने घरों और सामान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भी जा चुके हैं। संगम क्षेत्र में सड़कों के डूब जाने के चलते अब नावें चल रही हैं। दारागंज इलाके में संगम से नाग वासुकी होकर बक्सी बांध की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। इस सड़क पर जहां पहले मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहीं अब नावें चल रही हैं। इस सड़क के किनारे स्थित दशाश्वमेध घाट पुलिस चौकी भी पानी में डूब गई है। दशाश्वमेध घाट पर बनी झोपड़ियां भी पानी में डूबती नजर आ रही हैं। तीर्थ पुरोहितों के तख्त भी पानी में उतराते नजर आ रहे हैं। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ के चलते इलाके में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।